हेलो एवरीवन, ये क्वेश्चन गेट 2021 में आया था मैकेनिकल के एग्ज़ाम में, और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की। इसको सॉल्व करना है सब्जेक्ट टू कंडीशन, और फिर वाई इज इक्वल टू पाई बाई सिक्स की वैल्यू निकालनी है। इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में लेफ्ट हैंड साइड जो है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल की तरह है, यानी कि इसको हम डी बाई डी एक्स ऑफ वाई साइन एक्स लिख सकते हैं। क्लियरली अगर आप इसको ओपन करेंगे तो वाई डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कोस एक्स तो ये टर्म बन जाएगी, एंड साइन एक्स टाइम डेरिवेटिव वाई बाई डी वाई बाई डी एक्स तो फर्स्ट टर्म बन जाएगी इज इक्वल टू वन। सो अगर इसको इंटीग्रेट करें तो वाई साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस कोस टेन जो है इसका सॉल्यूशन है, और y की वैल्यू एक्स पाई बाई टू पे पाई बाई टू है तो वहाँ से कॉन्स्टेंट निकाल सकते हैं। तो जब एक्स पाई बाई टू होगा तो साइन 91, और y की वैल्यू पाई बाई टू है और x की वैल्यू भी पाई बाई टू है, तो दैट मीन्स क्लियरली कंडीशन ये कह रही है कि c की वैल्यू ज़ीरो होगी, और दैट मीन्स कि जो फंक्शन है y साइन ऑफ x इज इक्वल टू x है। तो अगर हमें y की वैल्यू x की वैल्यू पाई बाई सिक्स पे निकालनी है तो y एट एक्स वैल्यू पाई बाई सिक्स, तो क्लियरली अगर इसमें हम सब्सटीट्यूट करें इसको तो वाई साइन ऑफ पाई बाई सिक्स इज इक्वल टू पाई बाई सिक्स, एंड साइन ऑफ पाई बाई सिक्स इज़ हाफ, तो क्लियरली वाई जो है वो पाई बाई थ्री हो जाएगा। जब ये हाफ वैल्यू टू इधर जाएगा तो पाई बाई थ्री आएगा, दैट मीन्स सी ऑप्शन पाई बाई थ्री जो है इस न्यूमेरिकल के लिए करेक्ट है। ओके, गुड डे।